हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा और कोबी भेड़िया का एक 2-in-1 कॉमिक विशेषांक कौन बड़ा जल्लाद, जो कि सावधान डोगा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सावधान डोगा, ये जंगल है, यहाँ भेड़िया है, यहाँ कोबी है, यहाँ अंधीधुंध भी है। यहाँ जो जंग होगी वही साबित करेगी कि कौन बड़ा जल्लाद। 500 राउंड गोली एक ही बार में फेंकती है मेरी ये चेन गन, जिससे आसपास का वातावरण भी दहक उठता है। बर्र बर्र, गोलियां खत्म करेंगी उस दैत्य को और गर्मी सुखा देगी धुंध को। बर्र, ओ यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ गर्म घाप के अंधी धुंध है। ये तो धुंध छट रही है। बर्र, ओ गॉड, मेरी पोशाक के नीचे मेरे जिस्म पर उभरा है गर्म भाप के पसीने की बूंदों से भी ज्यादा गोलियां शायद मैंने यहाँ चलाई होंगी। वाष्प के कारण या धुंध का बनना तो समझ में आता है, मगर दौडंड की चीखें, वो पंजा, आखिर क्या रहस्य था इस खौफनाक धुंध का। काईगुला, तंतना, धुंध, अजीब अजीब रहस्यों से भरा पड़ा है ये जंगल। पडोगा की हर हरकत की खबर भेड़िया को मिल रही थी। क्या क्या कहा तुमने? तंतना को भी सबक सिखा दिया उस कुत्ता देवता ने, और अंधीधुन को भी सुखा दिया। इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। पर अरे, ये क्या, तीन हाथी, तीनों की सूंड में वृक्षों के भारी तने, और इन तीनों हाथियों के साथ एक जंगलवासी। ओ, ये तो बिल्कुल वही स्थिति है। ठहरो, कौन हो तुम? यह हाथी लेकर कहाँ जा रहे हो? भेड़िया, ओ, ये तो भाग रहा है, पर मैं उसे भागने नहीं दूंगा। नहीं भेड़िया देवता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसका मतलब तुमने कोई अपराध किया है और जंगल के नियम को भंग किया है। वृक्ष के इन तनों में क्या है? ये तुझे मैं बताता हूं, क्योंकि तूने किसी और का नहीं, एलिफेंटो यानी एजेंट एलिफेंट का रास्ता काटने की जरूरत की है भेड़िया। वह हाथी खतरनाक एलिफेंटो में बदल गया था। हो तो तूने एक बार फिर नशे का धंधा शुरू कर दिया। हाँ, मैं इस नशे की पौध उगाता हूँ, पर आज मैं तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उफ। जंगल को तेरे भय से मुक्त कर दूंगा। बहुत दिनों तक तू भेड़िया के हाथों बचता चिपता रहा, पर आज तुझे मौत छिपने का कोई अवसर नहीं देगा ये एलिफेंटो। ओ, इसकी पुकार पर हाथी आक्रामक होकर मेरी ओर आ रहे हैं। थाड़ थाड़, उफ, हाथियों ने सूंड में पकड़े भारी तने मुझे और फेंक मारे हैं। देख, अब एलिफेंटो ये जहर तेरे हलक में उड़ेल देगा। थार, चूं चूं, जिंग, उफ। जिस तरह मैं अपराध को सूंघ लेता हूँ, ठीक वैसे ही मैंने तेरे हाथ में थमे जहर को भी सूंघकर पहचान लिया है शैतान। यह वही जहर है जिसने मेरे शहर में मौत का कोहराम मचा दिया था। इसी जहर का पीछा करता हुआ मैं यहां तक आया हूं। था, था। तेरी मौत जंगल में एलिफेंटो के हाथों लिखी थी, तो फिर तूने यहां तो आना ही था। तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल डालूंगा। उफ, चींटी हाथी की मौत भी बन जाती है एलिफेंटो। हाँ, अब तू बताएगा कि तू ये जहर कहां से लाता है और किसे पहुंचाता है। हाँ, क्योंकि उसी दरिंदे तक पहुंचना है मुझे। सुश, तू जो भी है, अब एलिफेंटो का तो सीधे नरक पहुंचेगा। क्लिक, बूम। जब एलिफेंटो ने मुझे आगे को पटक मारना चाहा तो मेरी उंगली हैंड ग्रेनेड के सेफ्टी पिन में थी, जिसके खिंचते ही उसमें विस्फोट हो गया और एलिफेंटो मारा गया। एलिफेंटो के जिस्म में हुए धमाके की गूंज के समाप्त होने से पहले डोगा के जिस्म पर हुआ दूसरा धमाका। ओ, तो तू है वो कुत्ती सी सूरत वाला जिसने काईगुला को खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो शैतान उन जंगलवासियों को मार डालता। मगर जंगल तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, जंगल की रक्षा के लिए को भी अकेला काफी है, तुझे यहां से लौटना होगा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सारा गोला बारूद मैं एक दरिंदे के जिस्म की धज्जियां उड़ाने के लिए लाया हूँ।
इस गोला बारूद के रहते तो मैं तुझे जंगल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। पीछे तो डोगा भी नहीं हटेगा कोबी। मगर मुझे आगे बढ़े हुए कदमों को पीछे धकेलना आता है। अरे रे, ये क्या कर रहे हो कोबी? तुझे इस जंगल से दूर ले जा रहा हूं। अरे, मेरे शरीर पर बने बम फट गए तो तू पुचमुंडा हो जाएगा। तुमने तो मुझे लट्टू बना दिया कोबी। अब मैं तुम्हारी फिरकी बनाऊंगा थार, क्योंकि डोगा अपना हिसाब किताब हर किसी के साथ बराबर रखता है। सुश, वाह, अपने ही जंगल के गड्ढों से भी नहीं बच पाया कोबी। गड्ढा तो ये शिकारियों का ही खोदा हुआ है, पर इस चट्टान से इसे बंद मैं किए देता हूं। अच्छा कोबी, अब तुमसे मुलाकात नहीं हो तो अच्छा है, वरना हमारे शस्त्रास्त्र एक दूसरे से टकराएं या ना टकराएं, मगर ख्याला जरूर एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि तू है जंगल का जल्लाद, डोगा के बनाए कानून से अनजान, और मैं हूं शहर का जल्लाद, तेरे बनाए कानून से नावाकिफ। शहर के जल्लाद ने इस जंगल में प्रवेश किया है तो जंगल के कुछ कानून तो टूटेंगे ही। चाव, बोल भाई, ट्रक की गद्दी छोड़ेगा या दुनिया? गद्दी पर तुम कौन हो? मुंबई का नाम सुना है? हाँ, नहीं। तो हम बताए देते हैं, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में अक्सर एक बड़ा बड़ा पोस्टर छपता है जिसके नीचे लिखा रहता है वांटेड, जिंदा या मुर्दा, और उस पर मेरा फोटो छपा होता है, यानी डोगा पर। अभी तक कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। मुंबई शहर का अपराधी हो या कानून, सभी डोगा को अपने पट्टे से बांधना चाहते हैं। सभी को डोगा की जिंदगी चाहिए, पर अपन कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं है। अपन अपराधी बनता है अपराधियों को मारने के लिए। तू क्यों डर रहा है? तू अपराधी थोड़े ही है। इस ट्रक में क्या है? आयुर्वेदिक दवाइयों पर तुमने मेरा ट्रक क्यों रोका? क्योंकि ये सरकारी चेक पोस्ट से बिना किसी जांच के पार कर दिया गया। हाँ, क्योंकि इसे भेड़िया की सुरक्षा मिली हुई है। जंगल में सब जानते हैं कि भेड़िया की सुरक्षा मार्ग के नीचे गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। तुमने ट्रक पर लगा सुरक्षा का निशान भेड़िया का मुख नहीं देखा क्या? अगर मैं इसकी जगह पर तेरा सिर काट कर लगा दूं तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? घबरा मत, तू सच बोलेगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तूने ऐसे कहीं देखा है या नहीं। नहीं। अब तू कहेगा कि ये टेलकम पाउडर है। मुझे लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, पर अब बोलेगा। ये कौन है? माइकल साहब, हाँ, अब आया ना लाइन पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कौन बड़ा जल्लाद के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।